हम में से बहुत से लोग अपने जीवन में कई संयोग देखते हैं। कुछ ऐसी संयोग की घटनाएं भी होती हैं जो हमें सवाल करने पर मजबूर कर देती हैं कि यह कैसे हो सकता है, पर कुछ सवालों के जवाब नहीं दिए जा सकते। कुछ लोग संयोगों को ईश्वर का चिन्ह मानते हैं, जबकि अन्य इन संयोगों को अनदेखा कर देते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही संयोगों के बारे में बताएंगे। बचपन में बिछड़े जुड़वां भाइयों की हैरतअंगेज कहानी। घटना है 1940 की। दो जुड़वां भाई जिम लुइस और जिम स्पेंसर को जन्म से ही अलग कर दिया गया था, जिस कारण उन्हें अलग अलग परिवारों के द्वारा पाला गया। संयोगवश दोनों परिवारों ने लड़कों का नाम जेम्स रखा। आगे चलकर दोनों ने ही कानून की पढ़ाई की। दोनों ही मैकेनिकल ड्राइंग्स और लकड़ी का काम करने में माहिर थे। दोनों ने ही जिन महिलाओं से शादी की थी उनका नाम लिंडा था। शादी के बाद दोनों के ही बेटे हुए और संयोग से दोनों ने ही अपने बेटों का नाम जेम्स एलन रखा। आगे चलकर दोनों ही भाइयों ने अपनी अपनी पत्नियों को तलाक दिया और अन्य महिलाओं से शादी की। दोनों ने ही जिन महिलाओं से दूसरी शादी की उनका नाम बेटी था। अलग अलग रहते हुए भी उन दोनों ने अपने अपने कुत्तों को टॉय नाम दिया था। दोनों ही बहुत ज्यादा स्मोकिंग करते थे। इसके अलावा दोनों की कारें भी समान थी, जिनका नाम था शेवरले। 9 फरवरी 1979 को जिम ट्विंस पहली बार मिले। इसके बाद उनकी ये कहानी मीडिया और अखबारों में फैल गई। बाद में उनके एक समान जीवन को देखते हुए बहुत से डॉक्टर्स और साइंटिस्ट ने उनके दिमाग पर रिसर्च भी की और पाया कि दोनों के ही मस्तिष्क एक समान काम करते थे। क्योंकि वे आइडेंटिकल ट्विंस थे, इसलिए उनका मस्तिष्क भी एक समान था। बंदूक की गोली का 20 साल बाद बदला। 1883 में टेक्सस अमेरिका के हेनरी जीगलैंड ने अपनी प्रेमिका के साथ रिश्ता तोड़ दिया। प्रेमिका ने दुखी होकर आत्महत्या कर ली। इसके बाद लड़की के भाई ने गुस्से में आकर जीगलैंड को गोली मार दी। जीगलैंड की हत्या करने के अपराध बोध में लड़की के भाई ने अपने आप को गोली मार ली। हालांकि वास्तव में जीगलैंड की मौत हुई ही नहीं थी। बुलेट ने केवल उनके चेहरे को छुआ था और एक पेड़ में जाकर लग गई। कई सालों बाद जीगलैंड ने उस पेड़ को काटने का फैसला किया, जिसमें अभी भी वो गोली अपनी जगह पर थी। इस विशाल वृक्ष को काटना इतना कठिन था कि जीगलैंड ने इसे डायनामाइट से उड़ाने का फैसला किया। जब डायनामाइट विस्फोट हुआ तो वही गोली निकलकर जीगलैंड के सिर में जा लगी, जिससे वहीं पर उसकी मौत हो गई। इस तरह गोली ने 20 साल बाद अपना बदला पूरा किया। एक टैक्सी और जुड़वां भाइयों की दुखद मृत्यु। 1975 में हैमिल्टन बरमूडा में एक 17 साल का लड़का मोपेड की सवारी कर रहा था। उसे अचानक एक टैक्सी ने आकर टक्कर मार दी और वहीं पर उसकी मौत हो गई। एक साल बाद उसके सगे भाई की मौत भी उसी तरह हुई। वास्तव में वो भी अपने भाई की तरह उसी मोपेड पर सवारी कर रहा था। हैरानी की बात यह थी कि मोपेड को हिट करने वाली ये वही टैक्सी थी और उसे चलाने वाला ड्राइवर भी वही था। यहां तक कि उस टैक्सी में बैठा पैसेंजर भी वही था और जहां दुर्घटना हुई वो गली भी वही थी। पुनर्जन्म या अविश्वसनीय संयोग। ये बात थोड़ी आश्चर्यजनक है कि कैसे जेनिफर लॉरेंस की शक्ल मिस्र की पूर्व अभिनेत्री जुबैदा थरवड़ से इतनी ज्यादा मिल रही है। आंखों से होठों तक, चेहरे की संरचना तक सब कुछ एक जैसा है। भला यह कैसे संभव हो सकता है? इसी से मिलता जुलता एक और संयोग है, जिसमें मशहूर कार कंपनी फरारी के संस्थापक एंजो फरारी की 1988 में मृत्यु हो गई थी। बस एक महीने बाद ही फुटबॉल स्टार मेसुट ओजिल का जन्म हुआ था। यह बहुत ही अजीब है कि वे हैरतअंगेज तरीके से एक जैसे दिखते हैं। 1988 में ही एंजो फरारी की मृत्यु हुई और 1988 में ही मेसुट ओजिल का जन्म हुआ। क्या यह पुनर्जन्म का प्रमाण है? यह समानता असत्य जैसी लगती है। अलग अलग राष्ट्रपति पर एक जैसी मृत्यु। अब्राहम लिंकन और जॉन एफ कैनेडी दोनों ही लोकप्रिय अमेरिकी राष्ट्रपति थे। लिंकन और कैनेडी के बीच अभूतपूर्व संयोग अभी भी अमेरिकी समाज में सर्वाधिक चर्चित कथाओं में से एक है। ये संयोग इतने अधिक हैरान करने वाले और लोकप्रिय हैं कि इन पर कई टीवी शोज में चर्चा हुई और इनको लेकर कई शोध भी किए गए। इनमें से कुछ संयोग इस प्रकार है। दोनों राष्ट्रपतियों की मृत्यु सिर में गोली लगने के कारण हुई थी। दोनों ही राष्ट्रपतियों को शुक्रवार को गोली मारी गई थी। लिंकन को फोर्ड के एक थिएटर में शूट किया गया था, जबकि कैनेडी को एक फोर्ड कार में गोली मारी गई थी।
उस कार का नाम था लिंकन लिमोजिन। लिंकन का कैनेडी नाम का एक सेक्रेटरी था जिसने उन्हें थिएटर में ना जाने के लिए कहा था। वहीं कैनेडी की एल्विन लिंकन नाम की सेक्रेटरी थी जिसने उन्हें डैलस ना जाने की चेतावनी दी थी और जहां उनकी हत्या हुई। दोनों राष्ट्रपतियों के हत्यारों ओसवाल्ड और बूथ की सुनवाई से पहले ही हत्या कर दी गई थी। लिंकन और कैनेडी दोनों ही शब्दों में 7 अक्षर होते हैं। दोनों के हत्यारों के पूरे नाम जॉन विल्क्स बूथ और ली हार्वे ओसवाल्ड में 15 लेटर्स हैं। हूवर डैम पर पिता और पुत्र की एक जैसी मौत। 20 दिसंबर 1921 को बांध के लिए सर्वेक्षण करने गया एक दल बाढ़ में फंस गया और जॉन ग्रेगरी ट्रिनी नाम का एक आदमी इस पहले हादसे में कोलोराडो नदी में हमेशा के लिए खो गया। फिर 20 दिसंबर 1935 में 14 साल बाद साइट को इसकी अपनी अंतिम दुर्घटना का सामना करना पड़ा जब एक कर्मचारी पैट्रिक विलियम टिर्नी की ब्लैक कैनियन एरिजोना साइट में लगे 2 टावरों में से एक के गिरने से मृत्यु हो गई। पैट्रिक विलियम ट्रिनी जॉन ग्रेगरी ट्रिनी का एकमात्र बेटा था। इस प्रकार पिता और पुत्र दोनों की ही मृत्यु एक ही स्थान पर हुई। एन हैथवे और शेक्सपियर का हम शक्ल। हॉलीवुड एक्ट्रेस एन हैथवे के पति एडम शलमन की शक्ल विलियम शेक्सपियर से मिलती है। हैरान करने वाली बात यह है कि विलियम शेक्सपियर की पत्नी का नाम एन हैथवे था। दुनिया की सबसे अच्छी किस्मत वाली महिला 3 बार मौत के मुंह से निकली। वॉयलेट कॉन्स्टेंस जेसप एक आयरिश अर्जेंटीनी ओशन लाइनर की परिचालिका और नर्स थी जो क्रमशः 1912 और 1916 में RMS टाइटैनिक और शिप HMHS मैथेटिक दोनों की ही विनाशकारी घटनाओं में डूबने से बच गई थी। दरअसल वॉयलेट पिछली शताब्दी की 3 सबसे प्रसिद्ध जहाजों की दुर्घटनाओं के दौरान तीनों ही जहाजों पर मौजूद थी और वो हर बार दुर्घटना से सही सलामत बच निकली। पहली बार जब 20 सितंबर 1911 को RMS ओलंपिक HMS हॉक से टकराया था। दूसरी बार 14-15 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक एक आइसबर्ग से टकराया और डूब गया। और तीसरी बार जब 21 नवंबर 1916 को HMHS ब्रिटैनिक एक खदान से टकराया और डूब गया। इन तीनों ही घटनाओं के दौरान वॉयलेट जहाज पर मौजूद थी लेकिन वे इन तीनों से ही बच निकली। दोस्तों, इसी तरह की इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल हिस्टोरिक हिंदी को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।